स्टडीज पैराग्राफ 100 वर्ड्स पर मिनट यस स्टार्ट महोदय। बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं, यह यथा सत्य है। और सदियों से इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे भौतिकवाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए, जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग पहरे बन सकें। पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है। नित्य नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है। एक और जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पुरुष की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने लगी है। आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवन शैली बदलने पर मजबूर किए कर दिया है। समाज में हो रहे बदलाव के कारण अगर बच्चों के प्रति माता पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाले वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहली समस्या सामने आती है वे है कि उनका स्वास्थ्य। माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यह रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे, और फिर यह होता है कि खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता है। उनकी आदतें बिगड़ जाती है और असमय खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खास तौर से बच्चों का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 5 दशकों से खास तौर में अमेरिका में मोटापे के शिकार बच्चे की संख्या 2 गुनी हो गई है। कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चे की संख्या लगभग 47 लाख थी। यही नहीं, इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चे का कुल औसत 10.9% था। ऐसे बच्चों की प्रतिशत औसत की तुलना में 2 गुना से अधिक थी। इनमें मोटापा शिकार बच्चे की संख्या पिछले 10-12 वर्ष से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।